ओपे यार यार मेरा नाम रियांस कश्यप है, मैं 8 साल का हूँ। आज मेरा स्केटिंग का 3रा दिन है। तो जब मैं पहले दिन आया था तो मुझ पर खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। मैंने दीवार ये जो साइड में दिख रही है, मैंने इनको पकड़ पकड़ के सीखा था पहले, तो मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। बहुत मुश्किल से मैं खड़ा हुआ और नेक्स्ट डे मैं थोड़ा सा सीखा और फिर और जो आज की वीडियो आएगी वो मेरे 3रे दिन की वीडियो है। मैं चलाते चलाते थक चुका हूँ तो मैं थोड़ा सा रेस्ट ले रहा हूँ। अब तो मैं हरा दूंगा तुम्हें। गाइस मेरी ये स्केटिंग की प्रैक्टिस पूरी हो चुकी है, तो मैं ये बताने वाला हूँ कि जो मैं स्केटिंग सीखा था वो सब मैं बताने वाला हूँ। पहला स्टेप, मैं सबसे पहले बैठ के खड़ा होना सीखा था। जब पहली बार आया तो सीख नहीं पाया था, इसलिए मैं नेक्स्ट डे सीखा था। और दूसरे स्टेप में मैं थोड़ा सा चलना सीखा, जैसे मैं चल रहा था पहले वी शेप में करके, फिर थोड़ा बहुत चलना सीखना है। और तीसरे स्टेप में क्या था कि हल्का हल्का स्केटिंग करना है, मतलब एक पैर को आगे उठा के फिर दूसरा पैर, मतलब जैसे तुम कर सकते हो स्केटिंग वैसे थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है पहले। फिर जब सीख जाओ तो एक पैर आगे करके दूसरा पैर ऐसे उठ जाना चाहिए पीछे से थोड़ा सा, फिर दूसरा पैर आगे बढ़ा के, तो ऐसे स्केटिंग करना है जिससे तुम जल्दी सीख जाओ। चलो चलो चलो।
गिर चुके हैं बहुत तेज, जिनका चलाते चलाते गिर के एकदम ही जूता ही निकल। अब मुझे खड़ा तो कर, अब इनको खड़ा भी करना पड़ेगा। ऐसे बैठो, ऐसे हो ना, ऐसे ऐसे कर, तुम बाद में कॉल करो। जल्दी कितनी है, एकदम आ जाएगा मेरे को। तेरे को भी 2 दिन लगे थे ना, 3 दिन लगे इनको सीखने में, चाहे कोई सा भी दिन हो, लेकिन 3 दिन में सीख गया। तो मेरा तो पहला ही दिन है, यहाँ पे फिसलना है ज्यादा। ओ मैम फिसलना, फिसलना पापा बताइयो, मैं फिसलना है यहाँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और कमेंट करें। और अगले टाइम में, अगली वीडियो में थोड़ी सी और प्रैक्टिस करूँगी।